ओम शांति बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 19/7/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य शोभ से तुम्हारे वस्त्र शाप करते हैं। प्रश्न, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर, उनसे पूछो जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुही राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का अर्थ कर ना सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं, जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ नहीं, तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, जैसे झाड़ में मुख्य तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी डाल डालियाँ निकलती हैं, तो बच्चों को समझाया जाता है। दूसरी पॉइंट, गीता में भी लिखा मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा हुआ है। तीसरी पॉइंट, आज सनातन देवी देवता धर्म इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वह बहुत बड़ा है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है। चौथी पॉइंट, परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। पांचवी पॉइंट, सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं, कितनी मुश्किलात की बात हो गई। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। छठवीं पॉइंट, मनुष्य का जन्म उत्तम है, वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। सातवीं पॉइंट, श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है, श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ? आठवीं पॉइंट, जिसमें श्री बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए, ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है। नवी पॉइंट, भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। दसवीं पॉइंट, मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, गद्दी नसीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता के प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना। दूसरी पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है, नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान है आज का, कर्मों की गुई गति के दाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं, उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है,
छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राई त्राई होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुईगत के दाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। स्लोगन है आज का, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। ओम शांति।